झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद जेल से लाने के लिए पहुंची उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन। लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन 28 जून को जमानत पर बाहर निकले। सबसे पहले वे अपने पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने पहुंचे उनके आवास पर, जहां कार्यकर्ताओं का भी भीड़ लगा। सभी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे। पिता के आवास में ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं का सबसे पहले आभार जताया। कहा कि आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से विगत 5 महीनों के बाद जेल से मैं बाहर आया हूं, और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है कि इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहां के मूलवासियों आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंताजनक महीना रहा है। उन्होंने न्यायालय के न्याय का आदर और सम्मान किया। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राजनेता, समाज सेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोगों को बड़े सुनियोजित तरीके से उनके आवास को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़कर पूरे 5 महीने तक मुझे जेल के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में कई पत्रकार बंद हैं। कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों की आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है। मुझे लगता है एक संदेश है राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है, और जो कानून के आदेश हैं वह आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। और आभार प्रकट करता हूँ, आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं आप विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूँ, और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था, और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है, और उसी के तहत मैं आज बाहर हूँ। मैं न्यायालय का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी देश, पूरे देश में छुपा नहीं है, और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है।
एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद है, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जवान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से